And welcome to an Academy Live NTA UGC Net with AKS Rajveer. So guys, please let me know on comment box, audio and video is clear or not, please. Hurry up. Good evening, everybody. Hi, everyone. Good evening, Yashoda Pradhan, and good evening, yes, Anita Hota. So you all are most welcome. Anyone else, please? चलिए सब लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से गाइज, फिर शुरू करते हैं इस क्लास को और काफी अच्छी क्लास करेंगे ये. एक वंडरफुल क्लास होना चाहिए गाइज आपके लिए. सो प्लीज डू शेयर द सेशन. एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए किसी के साथ, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप और एनीवेयर गाइज. तो चलिए, जब तक मैं वेट कर रहा हूं, हरी अप जल्दी से गाइज, आप लोग यस एटलीस्ट एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज गाइज, इट्स माय हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट. शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग ना गाइज, ऑलवेज आप बोलते हैं, सो शेयरिंग इज केयरिंग कर दीजिए. मैं वेट कर रहा हूं, तब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिए जल्दी से. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. और आज हम रियल में जानेंगे कि डिटेल सिलेबस यूजीसी नेट का क्या है. इस डिटेल सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे गाइज, और इतना बढ़िया से मैं समझा दूंगा आपको कि या गाइज, आई थिंक रियली गाइज यू विल लव द सेशन, क्योंकि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. और क्यों मिलने वाली है गाइज, वो सब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि डिटेल सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है. अगर आपको डिटेल सिलेबस नहीं पता तो गाइज मुझे लगता है कि गड़बड़ हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गाइज अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. हरी अप गाइज, तो जल्दी से आ जाइए मेरे साथ आप लोग लाइव. ओके, लेट मी चेक गाइज कितने लोग लाइव हैं. ओनली 17 स्टूडेंट्स आर लाइव राइट नाउ. कोई बात नहीं गाइज, वेरी गुड इवनिंग. सो गाइज, आज आप सच में जानने वाले हैं डिटेल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट. वैसे मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया होगा, बट आज जो गाइज मैं बताने वाला हूं बहुत ही डिफरेंट और एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ गाइज, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और ये गाइज जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि मतलब मेरे पास है एटलीस्ट आपके लिए गाइज 5 to 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस. बट यूजीसी नेट का गाइज जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, दैट इज यू कैन से गाइज सिंपली कि मेरे पास है 2.5 years, यानी कि गाइज 2.5 years से मैं यूजीसी नेट इंग्लिश डील कर रहा हूं. सो बस आप समझ सकते हैं कि मैं चीजों को बेटर समझ सकता हूं और आपके लिए चीजों को बहुत ईजी भी बना सकता हूं अपने एफर्ट के साथ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बहुत देर हो चुकी है, आपसे रिक्वेस्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कि आप लोग मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए. मैंने शेयर भी कर दिया गाइज लिंक भी सेशन का स्टूडेंट्स के साथ या अंकित उपाध्याय. तो चलिए शुरू करते हैं गाइज. और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमने मतलब एक नया बैच गाइज, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, अ फ्रेश बैच फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट. आप जीरो लेवल से गाइज बेसिक टू एडवांस लेवल, that is already running on an academy platform. So if you are interested, so then you can join this one batch. And we have guys awesome material for you, awesome classes for you. And guys, these are the charges as you can see on your screen. So guys, we have two types of subscription. One is iconic and plus subscription. So do type ke guys, ye jo subscription hai, in subscription ke saath aap proceed kar sakte hain. तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइज आपके सिलेबस के साथ. बेसिकली गाइज दिस इज द सिलेबस यू ऑल आर फैमिलियर विद. आपको गाइज ये सिलेबस मिलता है लाइक यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोएट्री, यूनिट 3 फिक्शन, यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज. एंड देन गाइज आपको एक नोट भी यहां पर है, ये आपके रियल सिलेबस जो है गाइज यूजीसी नेट का. सो देयर इज अ नोट, द फर्स्ट 4 यूनिट मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड थ्रू कंप्रेहेंशन पैसेज to assess critical reading, critical thinking and writing skill. These 4 units will cover all literature in English. Guys, literature in English. So most of the time, aap guys, jo bhi aapko passage milta hai, wo English literature se hi hota hai. Yeah.
I hope so, guys. Most of the time you will get passage from English literature. And based on these four units, guys, like drama, poetry, short story and fiction, then non-fictional prose, guys. है ना? और हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं वो भी गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो जो गाइज न्यू स्टूडेंट्स होते हैं दे ऑल आर नॉट फैमिलियर विद टू मच गाइज नॉट फैमिलियर विद द सिलेबस सो वो क्या पढ़ते हैं वो भी मैं गाइज आपको आज बताने वाला हूं. यूनिट फिफ्थ वी हैव लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थियोरीज एंड पैडागॉजी इंग्लिश इन यूज एंड यूनिट सिक्स इज इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर And cultural studies, unit 7th, unit 8th is literary criticism, and unit 9th is literary theory post-World War II. And we have 10th unit, this is research, method and material in English. So guys, this is what you all are familiar with syllabus, ki ye hamara syllabus hai. But guys, the thing is, this syllabus is not so much defined. Guys, the question is कि ड्रामा में क्या पढ़ें? This is the basic question, guys. कि yes, ड्रामा में क्या पढ़ा जाए? ये guys एक बहुत बड़ा question है. What to study in drama? है ना guys? Yes. What to study in drama? क्या हम you guys कि हम Greek plays को पढ़ लें, Romans को पढ़ लें, English पढ़ें? Or guys, French plays, then we have African, then we have American guys, we have Indian plays. Ab kisko padhe? Kaun sa drama padhe guys? This is not quite defined. Drama guys, this is simple, a word. Dramas ab guys, har ek, literature mein English mein hi likhe gaye. Guys, Indian English literature, African English literature. अमेरिकन सो गाइज यू ऑल आर फैमिलियर सो गाइज डिफरेंट टाइप का हमारे पास लिटरेचर है एंड आई होप सो गाइज वी आर नॉट क्वाइट फैमिलियर कि हमें कौन सा वाला वर्क हमें देख लेना चाहिए कौन सा सेम विद पोएट्री सेम गाइज सेम विद फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज टू एंड नॉन फिक्शनल प्रोज बिकॉज हम नहीं समझ पाते कि किसको पढ़ा जाए दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग ये सबसे बड़ी गाइस प्रॉब्लम है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग कि यार क्या करें क्या कवर करें क्या ना कवर करें गाइस बट गाइस आई वुड लाइक टू से समथिंग कि यस हम इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमैटिक समझने की कोशिश करें सो देन वी कैन एंड हाउ So, एक काम कीजिएगा स्टूडेंट्स इफ यू वॉन्ट टू नो विच वन टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड विच वन नॉट सो एक आपके लिए गाइज की है की एंड द की इज वॉट प्रीवियस ईयर पेपर्स आर की गाइज मैंने ये वाली बात प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट आई थिंक एटलीस्ट गाइज 100+ times मैंने ये रिपीट किया होगा Within six or ये कह सकते हैं guys within 6 month or 1 year कि at least you should go through yes you should go through guys where previous year papers guys previous year papers के साथ आपको जाने की जरूरत है so that you can understand the topics which one is important let's take one example और एक example से हम समझ लेते हैं जैसे guys हमारे पास यूनिट वन है एंड दिस इज ड्रामा ओके गाइज यूनिट वन एंड वी हैव ड्रामा जैसे गाइज आपके पास ड्रामा है मोस्ट ऑफ द यू नो स्टूडेंट्स सो दे डोंट नो कि ड्रामा को हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए गाइज क्लियर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट जैसे गाइज अगर ग्रीक ड्रामा से स्टार्ट कर दें बेटर होगा इंग्लिश ड्रामा बेटर होगा रेनेशा से स्टार्ट करें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ेंगे ये बहुत बड़ी समस्या है सो देखिए मैं एक बार में डिफाइन की देता हूं वी हैव ग्रेट ट्रेजेडियन इन ग्रीक ड्रामा एस्किलस सोफोक्लीस एंड यूरिपिडीज गाइस है ना यस सॉरी इट्स ई यूरिपिडीज एस्किलस सोफोक्लीस एंड यूरिपिडीज गाइस है ना ए एस ई वी हैव दीज थ्री प्ले राइट्स
एंड अमंग दीज थ्री प्लेराइट्स विच वन इज इंपॉर्टेंट? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. वॉट टू कवर इन होमर, ओवेड, हॉरेस, वर्जिल? कहां पर क्या कवर करना है गाइज? वी आर नॉट क्वाइट फैमिलियर विद दिस फैक्ट. अगर हम इसी से फैमिलियर हो जाते सो आई थिंक गाइज हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. माई आंसर इज गाइज गो थ्रू सोफोक्लीड्स प्ले इडिपस रेक्स. OEGIPUX इडिपस रेक्स गाइज. यस, एडिपस और रेक्स और एडिपस द किंग. अगर आपने एक प्ले को इसको पढ़ लिया सो आई होप सो गाइज आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट बेस्ट नॉलेज. मेरे अकॉर्डिंग गाइज बेस्ट नॉलेज आपको मिलने वाला है. गॉट इट? बेस्ट नॉलेज आपको मिलने वाला है. एंड इडिपस रेक्स इज द प्ले की जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज आपके एग्जाम में पूछा जाता है. सो दिस इज वॉट गाइज की आपको ये कहां से पता चलता है कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है. गाइज यू विल कम टू नो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने बगल में रख के सोया कीजिए. इफ योर ड्रीम इज JRF सो प्रीवियस ईयर पेपर्स को पहले रट जाओ ताकि आप ये समझ सको पढ़ते वक्त दिस इज द एग्जाम पॉइंट, दिस इज द प्लेस कि जहां से आपके लिए क्वेश्चंस होंगे गाइज. एंड कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड नाउ गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द रियल सिलेबस ऑफ UGC नेट इन इंग्लिश. व्हाट इज द रियल सिलेबस गाइज? मैंने रियल सिलेबस पर आज तक मुझे लगता है मेरे जो वीडियोज हैं यूट्यूब में 3+ वीडियोस अवेलेबल होंगे गाइज ऑन सिलेबस. व्हाट इज द रियल सिलेबस ऑफ UGC नेट इंग्लिश. बट दिस वीडियो गाइज, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो. गाइज सबसे पहले जब हम जैसे ड्रामा यूनिट को देखते हैं तो ड्रामा यूनिट में हमें क्या पढ़ना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर कि हमें क्या पढ़ना चाहिए so that guys upcoming exam में हम 100% guys 100% success लेकर के आए 100%. so the very first thing is guys beginning of English drama. and before beginning of English drama guys I would like to request go through Greek drama. yes guys Greek drama पढ़ लीजिए है ना. yes And then Roman playwrights guys. Yes, Roman playwrights को भी आप थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे. Okay, because from here you will get pattern guys. Yes, from here to start Roman plays and Greek drama, development of drama, ये guys आपको knowledge मिलेगा. Got it? Then go through the guys, you know, beginning of English drama guys, you know, beginning of English drama before mystery, miracle and morality plays, drama developed in which one form? Like we have cycles, different cycles we have. Mystery plays, miracle plays and morality plays every single time guys. Or agar every single time nahi hota so at least alternatively you will find question based on mystery, miracle and morality plays. And interludes too, guys. INTERLUDE, interlude. Okay, guys? Interlude. So, यहां से आपको questions मिलेंगे. And, guys, go through this one topic and after that, guys, सीधा सा jump कीजिएगा. Renaissance drama and drama during Elizabethan period. Drama during Elizabethan period, guys, आपको ये क्या मिलेगा? So, you know, Elizabethan theater, Elizabethan actors are important. You know, Elizabethan theater and actors are important. Stage designers are important, guys. Okay? Stage designer, who built, you know, guys, Globe Theater, which one was the first theater, that is important. So go through, guys, background of Elizabethan drama. Okay, guys? और अगर आपने ये कवर कर लिया सो देन यू आर द बेस्ट स्टूडेंट.
मास्टर बनो यार, मास्टर है ना, उनके चक्कर में मत पड़ो जो आपको सच वाली राह नहीं दिखाते। प्लीज, माई पर्पज इज गाइज कि आपको एक क्लियर कट वे मिल जाए क्या पढ़ना है। देन गाइज, देन गो थ्रू अर्ली एलिजाबेथन प्ले राइट्स गाइज, लाइक यू नो यूनिवर्सिटी विट्स आर इंपॉर्टेंट, एंड अमंग यूनिवर्सिटी विट्स गाइज डू नॉट फॉरगेट टू कवर क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर गाइज, जो आपके यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है, बट विलियम शेक्सपियर गाइज यू ऑल आर फैमिलियर कि उनके बिना काम ही नहीं चलता। एंड अदर यूनिवर्सिटी विट्स लाइक ग्रीन, नैश, पील, केड, लॉज, सो इनको क्या कीजिए, इनको भी पढ़ जाइएगा गाइज। ओके, गो थ्रू दीज वन टू, गो थ्रू दीज वन टू। एंड गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यूनिवर्सिटी विट्स रिवेंज ट्रेजेडीज गाइज, रिवेंज ट्रेजेडीज, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज ट्रेजेडीज एंड विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से गाइज पढ़ लीजिए। देन लेटर ऑन वी हैव जैकोबियन प्ले राइट्स, एंड ड्यूरिंग जैकोबियन प्ले राइट्स गाइज, यूनिवर्सिटी विट्स रिवेंज ट्रेजेडीज एंड देन वी हैव डोमेस्ट ट्रेजेडीज गाइज, यस, डोमेस्टिक ट्रेजेडी राइटर्स। ओके, डोमेस्टिक ट्रेजेडी राइटर्स, सो उनको कवर कर लीजिए, लाइक वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। एंड फ्रॉम हियर गाइज डायरेक्टली जंप कीजिएगा बाई कवरिंग जॉनसन। जॉनसन गाइज, यू नो, फोर ह्यूमर्स, लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सो गाइज गो थ्रू दीज ऑल। ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, बेबस्टर गाइज, सो बेबस्टर ऑल्सो हीरो बेस्ट रिवेंज ट्रेजेडीज। थॉमस मिडिलटन, ओके, एंड देन हेवुड, डेकर, मैसेंजर, जॉन फोर्ड गाइज एंड शिरली मार्स्टन एंड ऑल्सो, दीज आर द प्ले राइट जिनके बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड यस एटलीस्ट यू शुड कवर। एंड इवन गाइज, ऑल माई प्लस स्टूडेंट्स जो भी मुझे वॉच कर रहे होंगे, आई हैव प्रोवाइडेड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्ले राइट, कितने प्लेज पढ़ने हैं और कौन कौन से प्ले राइट हैं गाइज। सो ऑन माई फर्स्ट यूनिट गाइज, ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड गाइज, फिफ्थ ऑफ में से हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ था, सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे गाइज आई हैव प्रोवाइडेड अ कंप्लीट इंटायर लिस्ट ऑफ 5 पेजेस गाइज। वो 5 पेजेस आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं। ओके, यस, दोज गाइज 5 पेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस फ्रॉम वेयर यू कैन इजिली लर्न, ओ दिस इज द प्ले की जिसको हमें कवर करना है। Got it now, guys? And after that, restoration playwrights. Restoration playwrights, guys. So, restoration, I mean comedy. So, first of all, guys, background of the age. And after background of the age, what is a restoration comedy? And who are the major figures? And I think, guys, every single time you can see question based on विलियम कॉन्ग्रीव ऑन योर एग्जाम गाइज। विलियम कॉन्ग्रीव सिंपल आपके हर एक यूजीसी नेट एग्जाम में गाइज, एटलीस्ट यू विल सी वन क्वेश्चन इज देयर बेस्ड ऑन विलियम कॉन्ग्रीव ऑन योर यूजीसी नेट एग्जाम। क्लियर? सो दिस इज माई हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट। ड्राइडन, इथरीज, वासरले, फार्कर, वैन ब्रुक, सिवर, ऑटवे, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन गे, गाइज इनको सबको कवर कीजिएगा प्लीज। And then proceeding, guys, after neoclassical era, we have, guys, romantic period. And during romantic period, you all are familiar, closet drama was famous times. Closet drama, drama to be read, Wordsworth, Coleridge, Byron, guys, so these all came with plays. They also wrote plays, guys, yes. Basically, you all are familiar that they were poets, guys, romantic poets, but they also wrote, guys, plays. Even your John Keats, he also wrote Otho the Great, guys, yes. So, plays ko at least aap cover kar lijiye, guys, hai na? Closet drama. And then, guys, we have Victorian era. After romantic era, we have Victorian era. And during Victorian era, guys, melodrama was famous. Yes, melodrama, guys. Yes. So this is what aapko during Victorian era, ye aapko cover karna chahiye. This is one of the important part, guys. Clear hai? And during Victorian time period, you have wonderful playwrights.
हेनरिक इब्सन, जीबी शॉ गाइस, यस, एंड अदर प्ले राइट गाइज अराउंड द वर्ल्ड जो आपको कवर करने की जरूरत है, प्लीज अदर प्ले राइट्स. बट जीबी शॉ एंड यू ऑल आर फैमिलियर गाइज की जीबी शॉ और हेनरिक इब्सन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स. एंड अनादर वन इज गाइज, आपने एक का नाम सुना होगा एंड आई थिंक ऑस्कर वाइल्ड इज इंपॉर्टेंट. ऑस्कर वाइल्ड इज इंपॉर्टेंट गाइज ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन के बाद गाइज आपको मॉडर्न पीरियड पर, सो ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड यू हैव सीन अ नंबर ऑफ प्ले राइट्स वॉज देयर. जे एम सिंज, सीनो कैसी, गाल्स वर्दी, एंड देन गाइज यू ऑल आर फैमिलियर ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड, हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, टॉम स्पर्ट, जॉन ऑसबोर्न, नोल कवर्ड, एंड गाइज अदर प्ले राइट्स फ्रॉम यू नो ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Guys, Luigi Pirandello, so Pirandello we also have, and other playwrights like you guys, I can say, you all are familiar with Samuel Beckett, guys, yes, Samuel Beckett ke saath, William Simpson, yes, William Simpson is also there, and you know guys, Noel covered and also, these all are the playwrights you have to cover. If you are not familiar with these all playwrights, guys, so then, आपकी जिंदगी जो है वो अंधेरे में जाने वाली है. बिकॉज मॉडर्न प्ले राइट से गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर, टी एस एलियट लाइक पोएटिक प्लेज, ओके, यस, एंड वी हैव अनदर वन नेम गाइड, सो दैट इज द ऑथर ऑफ एस एन एफ सिक्स. सो अ नंबर ऑफ प्ले राइट आर देयर गाइज जिनको आपको कवर करने की जरूरत है. And guys, in world literature, so world literature में भी guys आपके पास playwrights हैं. Like we have Wole Soyinka. So Soyinka is one of the best playwrights, है ना? Yes, guys, काफी अच्छे playwrights हैं आपको और आपको उनको cover करने की जरूरत है, 100%. Even epic theater guys, Jean Janet, Albert Camus. Camus and all guys, and you all are familiar guys. Another one name, so that is Albert Camus, and we also have other playwrights guys जो मेरे mind में stuck नहीं कर रहे हैं. I have already prepared a complete list. जब मैं अपने plus students को पढ़ाता हूँ, so I have a list of 5 pages guys, and included all the playwrights and their plays, important plays, which one play we have to cover event guys. So this is what कि यहाँ से आपको चीजें guys learn करनी होती है. And even guys, you must also learn about guys background of the ages and plays. जैसे कि आप देखिए हर बार आपके लिए थिएटर ऑफ अब्सर्ड, एटलीस्ट थिएटर ऑफ अब्सर्ड से गाइज क्वेश्चन आते ही रहते हैं. ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेडीज, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, है ना गाइज? यस, अभी आपके मैं यू नो गाइज, जैसे आपके अल्फ्रेड जेरी हैं, अल्फ्रेड जेरी, एंड यू नो गाइज और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम मैं ले नहीं पा रहा हूं, लाइक जीन जैनेट एंड ऑल. सो इनके नाम लेना चाहिए और इनको हमें पढ़ने की जरूरत होती है गाइज. ऑन सेकेंड यूनिट, सो सेकेंड यूनिट गाइज ऑन द सेम वे, ओरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री. एंड बिफोर गाइज कवरिंग ओरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, माई हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट इज गाइज गो थ्रू वेयर Greek poets and Roman poets, guys. Yes, you should cover Greek and Romans, guys. English literature, this is not all about. UGC net exam is not all about, guys. You know, कि आपने शुरू कर दिया रेनेशा से और रेनेशा से पढ़ते चले गए और ओल्ड इंग्लिश पीरियड और गाइज ओल्ड इंग्लिश पीरियड से आगे पीछे आप कुछ नहीं जानते. UGC net English exam is all about Greco Roman period. Old English period, and then guys, from old English period till postmodern period, then world literature, Indian literature, guys, among old literature, Indian, American, African, Pakistani literature, Bangladeshi literature, African, Afro-African literature, guys, yes, German literature, literature from France, literature, guys, from different corner of the world. English literature is all about this one, guys. मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, फ्री स्पेशल क्लासेस में कोई नहीं बताता, क्योंकि आधे जो गाइड जो आपके टीचर हैं पास कर जाते हैं लेकिन दे हैव नो ज्ञान नॉलेज.
और अगर नॉलेज भी है सो वो बताना नहीं चाहते वो नॉलेज, क्यों? क्योंकि अगर उनको नॉलेज अगर आपको मिल गया सो आई यू विल ज्वाइन देयर क्लासेस. बट गाइज माई पर्पज इज बी इन योर सेल्फ स्टडी बट यस कवर दीज ऑल टॉपिक सो देन यू विल लर्न वंडरफुल थिंग्स. इवन गाइज आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, नाउ यू टेल मी इपिक ऑफ गिलगमेश. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे सर खुजला रहे होते हैं वॉट इज दिस इपिक ऑफ गिलगमेश, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं इपिक ऑफ गिलगमेश कहां से आ गया. गाइज वाई दे डोंट नो, बिकॉज उनको किसी ने बताया ही नहीं कि यस वी ऑल्सो हैव अदर एंड ऑल, है ना गाइज? सिंपल है, सिंपल गाइज. यस वट आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज. Epic of Gilgamesh, this is a Sumerian epic. जब आपको यह पता चला ओहो दिस इज है ना गाइज, सो दिस इज वॉट की जहां से आपको चीजें पता चल जाती. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, सो फ्रॉम Beowulf गाइज स्टार्ट कवरिंग फ्रॉम Beowulf, है ना? यस पोएट्री को. देन आफ्टर Beowulf गाइज यू हैव फाइव मेन manuscripts. Medieval poetry, guys. So then in medieval poetry, you have Chaucer, Langland, John, Wycliffe is also there, guys. So John Wycliffe ka Reformation, translation of Bible and all is important. John Gower, guys. So Confessio Amantis and Meditantes. And you can see, guys, description about Peasant Revolt and all. So wo sari cheeze aapke liye important ho jati hai. Lydgate is also there and Wit and Surrey are also there. Dante is there, Ovid. So guys, dekhiye, Homer, Virgil, Ovid, and guys, you know, Horace. So guys, ये आपको cover करने होते हैं, and then later on you have to cover English poetry from Beowulf, guys, and manuscript and development of English poetry and how English poetry developed, guys. Okay? Yes, how English poetry developed, तो ये cover कीजिए. And then after covering these all things, so सीधा jump कर जाइएगा Elizabethan songs and sonnets में. Different song sonnet sequences are there, development of song and sonnet. So guys, आपको पता ही होगा कि यहां से ये जो आपके Elizabethans थे, they copied Wit and Surrey was there, and Wit and Surrey, so guys, इन्होंने copy किया कहां से? So they copied from Italian sonnet pattern, and then they brought in England. So guys, sonnet का pattern यहां पर important हो जाता है. Long narrative poems are important, and you know Edmund Spenser's Fairy Queen is important. Seyfried Calendar is important. So guys, जो आपको यहाँ पर cover करना है, Spenser, Sidney, and William Shakespeare, and you all are familiar, guys. You know, like poet like yes, guys, जिन्होंने Samuel Daniels Delia, है ना guys? Yes, Michael Drayton is important. इनको कवर करना पड़ता है गाइस. एंड देन जंप यू नो गाइस ऑन अनदर वन टॉपिक, एंड दिस इज मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल कैवलियर्स एंड ऑल गाइस. सो इनको कवर कीजिए, मेटाफिजिकल पोएट, कैवलियर पोएट्स एंड ऑल गाइस, बहुत अच्छे से इनको कवर कर लीजिए. गॉट इट ना? एंड मेटाफिजिकल पोएट्स एंड कैवलियर पोएट गाइस, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है. कार्पेडियम एंड ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्पेडियम, व्हाट दे रोड, व्हाट इज द नेम ऑफ देयर यू नो गाइस कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड विच काइंड ऑफ पोएम्स दे रोड, फॉर हूम दे रोड गाइस. यस दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक सोनेट गाइस, फॉर हूम ही डेडिकेटेड दिस वन सोनेट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, एंड अबाउट हूम दिस इज गाइस, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हू प्रिंटेड. सो इस तरह के क्वेश्चंस गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. गॉट इट ना? Then guys, proceed from here, metaphysical poetry, cavalier poets and all. Then guys, you can see a different kind of poetry, that is neoclassical poetry. And during neoclassical period, you have seen guys, Puritan poetry is also there guys. Main toh bhool hi gaya. Puritan poetry is also there, that is associated with Milton. And Milton ki guys, religious poetry like Lycidas, On Shakespeare, Allegro and Penseroso, and you all are familiar, Paradise Lost, Regain, Comus and all. So you should cover these all guys. Yes, you all are familiar that these are the topics ki jahan se questions aane ki jo sambhavna hoti hai, wo kaafi hoti hai guys. Higher. Yeah. And then guys, cover neoclassical poetry. So neoclassical poetry mein guys, poetry to important hai hi. But the thing that is most important, and you must understand what is that. So guys, the thing is, I'm telling you, the thing is guys, कि आपको cover करना है background, background guys, like satire, heroic
हीरोइक गाइज, यू नो हीरोइक कपलेट, मॉक एपिक, है ना गाइज? लाइक इन मिल्टन गाइज, यू हैव टू कवर एपिक. व्हाट इज एपिक? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिक, है ना गाइज? यस. एंड यहां पर आपको मॉक एपिक समझना है. एंड प्लीज गाइज, मॉक एपिक नॉट ओनली लिमिटेड टू कि आप नियो क्लासिकल एरा तक लिमिटेड कर दे. कनेक्ट मॉक एपिक टू यू नो होमर, कि जहां से आपको फ्रॉग एंड माइस गाइज, देर इज अ मॉक एपिक रिटन बाई होमर गाइज. दिस इज फ्रॉग एंड माइस, दिस इज बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस गाइज. ओके, यस. सो वहां से उसको कनेक्ट कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड. सो न्यू क्लासिकल पोएट्री, सो रेस्टोरेशन पोएट्री दैट वॉज बाउंडेड विद रूल्स, अर्बन पोएट्री, सटायरिकल पोएट्री, डायडेक्टिक इन नेचर पोएट्री, सो ये कवर कीजिए. अगस्टन पोएट्री, सो दैट वॉज यू नो गाइज क्वाइट इमिटेशन ऑफ किंग अगस्टस सीजर्स टाइम पीरियड, सो उसको कवर कीजिए. ट्रांजिशनल टाइम पीरियड, सो यू हैव गाइज डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइज यू नो ट्रांजिशन इन इंग्लिश लिटरेचर. और ये जो ट्रांजिशन हैं, ये ट्रांजिशन बहुत डिफरेंट है. लाइक व्हाट आर द ट्रांजिशन गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर. जैसे द पोएट्री दैट वॉज गाइज यू नो अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन नियो क्लासिकल एरा एंड रोमांटिक एरा, ट्रांजिशन गाइज, यस, गॉट इट ना? ट्रांजिशन. तो ये वाला जो ट्रांजिशन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप. एंड इन ट्रांजिशन गाइज, ग्रेवयार्ड पोएट्स आर देयर, लाइक थॉमस ग्रे, बिशप पर्सी, जेम्स कॉलिंस, है ना गाइज? यस, विलियम यू नो गाइज थॉमसन. सो डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्स आर देयर. सो इनको कवर करने की जरूरत आपको बहुत अच्छे से पड़ जाती. रॉबर्ट बर्न, प्लाउमैन पोएट एंड ऑल गाइज. रोमांटिक पोएट्री, सो यू ऑल आर फैमिलियर विद रोमांटिक पोएट्री. ड्यूरिंग रोमांटिक पोएट्री गाइज, कवर ऑल द यू नो स्कूल ऑफ पोएट्स. इट मे बी लेक, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स, एंड देन वी हैव सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्स एंड ऑल. सो कवर दीज ऑल थिंग्स. एंड प्लीज गाइज, डू नॉट फॉरगेट वन थिंग. If someone is there who coined the term, who is associated with it, where he coined, why he coined, is it was criticism, is it was praise, and where he reviewed this one, guys, ये बहुत important होता है आपके लिए. और जो part आप जिंदगी भर miss करते हैं, पता है आप लोग कैसे पढ़ते हैं guys? आप पढ़ते हैं चौसर से, कैंटरबरी टेल आई, कैंटरबरी टेल पढ़ लो guys. हाँ, कैंटरबरी टेल तो पढ़ना ही है गाइस. कैरेक्टर से एक बार क्वेश्चन एटलीस्ट वन तो आता ही है चौसर में, कैंटरबरी टेल एंड चौसर अदर वर्क गाइज, है ना? यस, चौसर को तो कवर करना ही है. मैं चौसर को भूल ही गया था, बट हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, चौसर से स्टार्ट करेंगे. और चौसर से स्टार्ट करते करते रोमांटिक पीरियड तक आते हैं, हमारा जो अंदर का जोश होता है वो ठंडा पड़ चुका होता है, हमारा जो जुनून है वो कमजोर पड़ जाता है. हम सोचते हैं यार बहुत पोएट्री है, क्या क्या पढ़े. सो गाइज, माई आंसर इज कि पढ़े सब कुछ, क्योंकि जरूरी है सब कुछ आपके लिए. और अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई और पढ़ेगा, ना पढ़ो आप. जो कोई पढ़ेगा गाइज वो क्वालिफाई होगा 100%. जो आपका जुनून होता है वो रोमांटिक पोएट्री तक चलता है. जैसे ही टी एस एलियट आते हैं, आपका जुनून जो है ना वो किताबों के बीच में सिमट के रह जाता है. एंड डोंट डू लाइक दैट गाइज. इंग्लिश लिटरेचर और यूजी सीनेट इज नॉट ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इट्स नॉट लिमिटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एटलीस्ट यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट गाइज, अ लॉट ऑफ टर्म्स टू. Forms, movements, literary terms, authors, word literature, ye, wo, falana, dhimka, and all. You have to learn. Romantic poetry guide. So yes, cover Blake, Wordsworth, Sade, Coleridge, Byron, Keats, Shelley, and Hazlitt, Hunt, you know guys, De Quincey. These are the important authors from the period jinko cover karne ki zarurat hoti hai guys. Then we have Victorian poetry. And Victorian poetry guides, so Matthew Arnold, Tennyson, Browning, Elizabeth Barrett Browning, Clare, Arnold, Christina Rossetti, Dante, Gabriel Rossetti, Stevenson, Wilde, W.B. Yeats, Keats, it's Yeats, Kipling, Hardy, and Hopkins, guys. Ye bahut important hai, like you all are familiar, guys, pre-Raphaelite poets. Okay? Yes. जॉन क्लेयर एंड ऑल, इनको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने की जरूरत होती है भाइयों और बहनों. अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने गाइज आपको बता दिया, कोई और पढ़ेगा. यस, 100% समवन इज देयर इन द कॉर्नर गाइज, जो बुक लेकर के वो पढ़ रहा होगा इस लॉकडाउन में. एंड यू ऑल आर वॉचिंग जस्ट टीवी एंड यू नो गाइज टेकिंग स्नेक्स एंड फ्रेंच फ्राई खा करके मजे कर रहे हैं.
सो जो लोग मजे करते हैं तो बाद में वो मजे नहीं करते बाद में गाइस, यू नो, यस। नाउ गाइस यू कैन सी दिस इज ऑस्कर वाइल्ड, डब्ल्यू बी एट्स, गाइज इनको कवर करेंगे। देखिए प्री रेफलाइट पोएट्स, क्रिटिक्स ऑफ प्री रेफलाइट पोएट, व्हाट इज एसोसिएटेड गाइज, यस। देन वी हैव गाइज मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट्स, एंड अमंग मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट, वॉर पोएट्स, जॉर्जियन पोएट्स, थर्टीज पोएट्स गाइज, है ना, यस। एंड यू नो इमेजिस्ट, सिंबोलिस्ट, सो यस यू हैव टू कवर। एंड इवन विक्टोरियन एरा में गाइस एस्थेटिसिज्म एंड एस्थेटिक पोएट्स एंड ऑल्सो, या यू हैव टू कवर, यस। आपको भूलना नहीं इनके बारे में, एंड इफ यू फॉरगेट, सो मैंने आपको बताया ना, कोई और पढ़ेगा। टी एस एलियट, एजरा पाउंड, वॉर पोएट्स गाइस, एंड यू हैव अदर पोएट्स गाइस लाइक थर्टीज पोएट, ऑर्डन ग्रुप इज ऑल्सो देयर, यस। डब्ल्यू बी एट्स गाइज आयरिश पोएट एंड अमरीकन पोएट्स आर ऑल्सो देयर, सो सब टाइप के पोएट्स को आपको कवर करने की जरूरत होती है। 100% आई एम टेलिंग यू गाइज, यस 100% आई एम टेलिंग यू। देन वी हैव गाइज फिक्शन पार्ट, एंड इन फिक्शन पार्ट व्हाट यू हैव टू कवर, सो इन फिक्शन पार्ट गाइज नॉवल आपको पढ़ना है। एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट गाइड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू कवर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नॉवल। वॉट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, डेवलपमेंट ऑफ नॉवल गाइड। सो यू नो कि सबसे पहले ये जानिए कौन सा प्ले था जो, सॉरी कौन सा नॉवल था जो पहला था, है ना गाइज, यस। एंड अदर्स, ओके गाइज, अदर चीजों के बारे में भी मैं आपको बता दू, लाइक फोर व्हील्स ऑफ नॉवल, स्टार्ट फ्रॉम हियर गाइज। पर इसके पहले जॉन बनियान, डेनियल डेफो, टॉमस नैश, इनको कवर करने की जरूरत। एंड अगर गाइज आपने इनको नहीं कवर किया गाइज, यू हैव वन मोर, मीगल डी कावेंटेस। सो दीज आर द नॉवलिस्ट जिनको कवर करना है, उनके नॉवल्स को कवर करने की जरूरत है गाइज। एंड देन लेटर ऑन डेनियल डेफो यू ऑल्सो हैव जॉन बनियान गाइज, मैलोरी, थॉमस मैलोरी गाइज, मोटे डी अर्थ, जोनाथन स्विफ्ट, हो। सो फोर व्हील्स ऑफ नॉवल गाइज, रिचार्डसन, फील्डिंग, स्टर्न एंड स्मॉलेट, फोर व्हील्स ऑफ नॉवल गाइज, या फोर व्हील्स ऑफ नॉवल आप कवर करेंगे। और इन फोर व्हील्स ऑफ नॉवल में रिचार्डसन, फील्डिंग, स्टर्न एंड स्मॉलेट गाइड, सो आर एफ एस एस, दीज आर नोन एज द फोर व्हील्स ऑफ नॉवल, इनको कवर कीजिए, बिकॉज दीज आर द नॉवलिस्ट गाइज बिगिनर। और इसके पहले अगर आपसे बन जाए तो पीरियोडिकल एसे गाइज, हाउ नॉवल्स केम इन एग्जिस्टेंस, सो पीरियोडिकल एसेज आर द रीजन्स, ओके, 18th सेंचुरी एज इट इज नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, सो यहां से कवर कीजिए गाइज, ओके, यस। देन प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ नॉवल, सो ये गाइज यही है, रिचार्डसन, फील्डिंग, स्टर्न एंड स्मॉलेट, गोल्डस्मिथ एंड ऑल गाइज, इनको कवर कीजिए। देन 19th सेंचुरी गाइज, बिकॉज नियो क्लासिकल पीरियड की अगर मैं बात करूं, सो नियो क्लासिकल पीरियड में गाइज नॉवल इज नोन एज द अर्लीएस्ट और न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, बट बहुत ज्यादा नॉवल्स है गाइज, यस। नाउ गाइज सी कि आपको 19th सेंचुरी में जैसे वॉल्टर स्कॉट, हैथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल गाइज, यस, एंड रैडक्लिफ, विलियम बैकफोर्ड, मैथ्यू ग्रेगरी लेविश, मैरी शैली, मारिया एसवर्थ, थॉमस लपिकॉक, दीज आर द प्लेयर, ओ सॉरी, दीज आर द नॉवलिस्ट गाइज। और अभी और भी है, लाइक मारिया एसवर्थ यू ऑल्सो हैव, है ना गाइज, यस। देयर इज ऑल्सो अ लेडी एफ्रा बेन, सो सी ऑल्सो रोट नॉवल्स गाइज, सो आपको ये सब कवर करने की जरूरत है। I mean guys, romantic age is one of the best age for novel writing. Sentimental novels, anti-sentimental novels, domestic comedies, है ना guys, yes. And you all are familiar guys, picaresque novel, Bildung romans are also there, science fiction are there, dystopian novel, utopian novels, है ना guys, fantasy novels, crime and thriller and all guys, yes. And you know guys, adult novels are also there. So a number of novels and a number of categories guys. Yes.
a number of novels and a number of categories are there. Regional novels you also have, guys. Yes, science fiction, वो तो मैंने आपको बता ही दिया. So guys, categories, divide them into category, जैसे epistolary novel, guys, you also have. So सबको इनको cover करने की जरूरत होती है. अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते, guys, so it means UGC NET exam is not so easy for you. I'm telling you guys, देखिए मैं honestly बात करता हूं, आपके लिए easy नहीं होगा. क्यों? जब यार आपको पता ही नहीं तो आप आंसर क्या करोगे, तुक्का खेल के आओगे. तुक्का खेल करके गाइस सही नहीं होता. या आई एम टेलिंग यू गाइस, यस. और इनमें कवर कीजिए गाइस प्लॉट कैरेक्टर गाइस, यस, डिक्शन एंड यू नो मेजर सिंबल्स, मेजर सेटिंग्स एंड ऑल गाइज, ये सारा कुछ कवर करना पड़ता है आपको नॉवेल्स में. देन वी हैव विक्टोरियन नॉवेल्स. विक्टोरियन इरा गाइज, यू नो, वंडरफुल गाइज, यस, वंडरफुल टाइम पीरियड गाइज, जिसे कह सकते हैं नॉवेल्स के लिए. लाइक चार्ल्स डिकेंस एंड यू हैव थाकरे, ब्रोंटे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, जॉर्ज गिसिंग, जॉन रस्किन, विलियम वॉरिस, विकी कॉलिंस गाइज. यू नो विकी कॉलिंस इज नोन फॉर वॉट गाइज? Detective novels, H.G. Wells, Time Machine and all. So, you know, science fiction, these all are. So, yes, what I want to say, guys. I want to say ki aap dekhiye cheezon ko bahut systematic cover kijiye. Pehle janiye inke baare mein. Yeah. Realism, guys. And then you also have a few novels like, you know, guys, dealing with the problem of society on the pattern ki problem played jaise aapke hote hain. Hey, guys like Henrik Ibsen, G.B. Shaun, Galsworthy and also these all were, you know, associated with problem plays. So, जैसे इनका guys, वैसे G.B. Shaun ने तो novel नहीं लिखे, but yeah, John Galsworthy is also there, जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है. And then, after Victorian era, guys, you have science fiction and all, modern and post-modern novelists. So, this is, guys, completely a list. James Joyce, Henry James, Joseph Conrad, Dorothy Richardson, D.S. Lawrence, Virginia Woolf, Stream of Consciousness, D.H. Lawrence के guys novels, you know, कि where you can see different kind of topic जिनको लेकर कि इन्होंने deal किया. James Joyce and Henry James guys, you know, dealing with xenophobia. Joseph Conrad guys, you know, dealing with sea adventure and all. Dorothy Richardson historical novels and stream of consciousness and you know psychological novels के साथ आई guys. Yes. Now, guys, you have E.M. Foster, Galsworthy, H.G. Wells, Rudyard Kipling, George Orwell, Evelyn Waugh, guys, George Orwell, you all are familiar. Ki George Orwell ne kis type ke novel likhe, Evelyn Waugh, Anthony Powell, Kingsley Amis, William Golding, Iris Munro, Muriel Spark, Anthony Burgess, Doris May, Lessing, Salman Rushdie, V.S. Naipaul. Guys, ye itne sare naam hai, screenshot le lijiye. So guys, these all are the novelists you have to cover. At least you must knowing about these novelists. Agar nahi jante, to UGC NET exam mein baithne ka kya matlab? Padho, tab UGC NET exam mein baitho. Aur akkad bakkad khelna ho, to kisi bhi exam mein baith jao. Koi dikkat nahi hai, guys. Okay? Yes. Other guys, you know, you can see these are the other novelists. Jo ek bahut badi list hai. Isme to bahut guys, you know, selected novelists ko hume padhna hota hai. Okay, and playwrights we also have guys, different types of, जैसे आपके शैमुल बकेट भी guys, है ना, शैमुल बकेट, आर्थर कॉनन डायल, विकी कॉलिंस, है ना guys, लेविस कैरोल, सैमुअल बटलर, फैनी बर्ने, एंड guys ये सारे आपके playwrights हैं जिनकी मैंने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड की है. देखिए ये बड़ी वाली लिस्ट guys, yes, okay, yes, this is what guys. अब अक्कड़ बक्कड़ प्ले करने का टाइम, बिल्कुल सच में कहा आपने करिश्मा, बिल्कुल सर. नाउ वी डोंट वांट टू प्ले अक्कड़ बक्कड़. यस, यू आर राइट गाइस. सो इतने सारे नॉवलिस्ट हैं, उनके प्लेज से आपको फैमिलियर होना ही पड़ता है. देन वी हैव नॉन फिक्शनल प्रोज गाइस. व्हाट इज देयर इन नॉन फिक्शनल प्रोज? सो इन नॉन फिक्शनल प्रोज गाइस, यू कैन सी ओ डेवलपमेंट ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज, ओरिजन एंड नेचर ऑफ एलिमेंट एंड डेवलप. गाइस, यू नो, नॉन फिक्शनल प्रोज में आपको यहां पर देखिए, जैसे आपको पढ़ने पड़ते हैं बायोग्राफीज, मेमोयर्स, जर्नल्स, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोनॉमिक गाइस, राइटिंग एंड ऑल, है ना. सो ये सारे लाइक जर्नल्स, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट बुक, ट्रेवल बुक्स, ब्लू प्रिंट्स. सो गाइज, आपके लिए नॉन फिक्शन में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए.
स्टार्ट नॉन फिक्शन फ्रॉम यू नो गाइज रेनेसा पीरियड, और रेनेसा पीरियड क्या और उसके पहले से भी गाइज लाइक सेंट अगस्टाइन की यू नो गाइज लाइफ पर बेस्ड वर्क है. सो वहां से स्टार्ट कीजिए एंड देन गाइज इसे मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक लेकर के चले आइए एंड गाइज यू विल लर्न रियली अ नंबर ऑफ थिंग्स गाइज, जहां पर आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा. फर्स्ट फोर यूनिट्स गाइज बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आपको फर्स्ट फोर यूनिट से अच्छे से आप फैमिलियर हैं सो देन आपको बहुत बड़ा नॉलेज होगा. अगर आप अच्छे से फैमिलियर हैं और नहीं है अगर आप, तो फिर आपके लिए क्या कहा जा सकता है गाइज, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके लिए. यस नाउ गाइज लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थियरीज एंड पैडागॉजी इंग्लिश इन यूज, दिस इज द फिफ्थ वन यूनिट. अब इस यूनिट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं गाइज ऑन दिस यूनिट व्हाट वी हैव टू कवर. सो बेसिकली गाइज मैंने आपको कुछ चीजें यहां पर दे दी हैं, जैसे मैथड्स एंड टेक्निक, डिजाइन एंड प्रोसीजर आपको कवर करना होता है बिकॉज दिस इज द पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक मॉर्फीम, फोनीम एंड अदर टर्म्स गाइज. Theories and pedagogy, what are the theories of teaching English language and guys, you know, pedagogy. Then English in use, how we are using guys. So we have different method like guys, you know, teaching method like direct method, GTM, audio lingual method, structural approach, physical response, communicative language teaching, silent way, task based learning and all, natural approach, lexical approach guys, suggestopedia. So yes, ye sab hai guys. ओके, दिस इज व्हाट यू कैन सी कि आपको कवर करने की जरूरत होती है इन यूनिट फिफ्थ. अगर आपने ये कवर कर लिया तो आप बहुत समझदार हैं, और अगर आपने नहीं कवर किया तो फिर आप समझदार नहीं. इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर गाइड. सो यहां पर इंग्लिश इन इंडिया गाइड, यू नो हाउ इंग्लिश लैंग्वेज इंटर्ड इन इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी केम. ओके गाइज, ईस्ट इंडिया कंपनी, देन ईस्ट इंडिया कंपनी गाइज 1813 एक्ट, देन गाइज यू नो जनरल कॉमिटी, लॉर्ड मैकाले, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन राइटर्स. दिस इज व्हाट की जो आपको इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर एंड गाइज नाउ अप्रोच एंड यू कैन से नाउ गाइज व्हाट इज द थिंग. ओके यस Got it? So what is the thing की जो आपको cover करने की जरूरत है? Yes guys, I'm telling you. ये सारी चीजें आपको unit 6th में cover करने की जरूरत होती है. Then cultural studies guys. इसको तो लोग हवा मानते हैं, हवा समझते हैं guys. जैसे इससे इतना डरते हैं cultural studies के देखने के बाद दौड़ लगा दो, भाग जाओ directly. है ना guys? Yes. But what I want to say about this unit. कल्चरल स्टडीज गाइज इज नॉट सो मच हार्ड कि जितना हम और आप लोग सोचते हैं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ओ माई गॉड दिस इज सो मच क्रिटिकल. क्यों गाइज? ये क्रिटिकल है नहीं, कुछ एक्सपर्ट हैं जो लोग इसे क्रिटिकल बना करके बैठे कल्चरल स्टडीज. वाई गाइज? क्योंकि उनके आप कोर्स खरीदेंगे ना इसी डर से कि कल्चरल स्टडीज इज सो मच वास्ट एंड दिस इज द टॉपिक जिसको कवर करना मुश्किल है. जैसे उन्होंने ऐसे बताया आपने फटाफट कोर्स खरीद लिया. देखिए गाइस, कोर्स आप जेन्युइनली खरीदिए कि आपको नॉलेज लेना है, और ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कल्चरल स्टडीज का. जब इतना पढ़ लिया तो ये किस खेत की मूली है. आई थिंक गाइज की यस यू कैन सिंपली गाइज. आपके एग्जाम में क्या आता है? कल्चरल स्टडीज से एसोसिएटेड बुक्स एंड कल्चरल स्टडीज से एसोसिएटेड गाइस टर्म्स एंड दिस इज सो मच इजी टेक्निक एंड यू नो गाइस टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज गाइस, हाउ दिस ब्रांच डेवलप्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको ये नॉलेज लेने की जरूरत है गाइस. ठीक है? यस. Then definition basically guys and theory and methodologies. What are the methodologies guys ki cultural studies ko kaise approach kiya jata hai? What are the major issues and what are the major concept and what is the structure? Ye cover kijiye guys. And Marxism plays major role in cultural studies guys. So Marxism, Neo-Marxism and you know guys Frankfurt School. Yes guys.
फ्रैंकफर्ट स्कूल, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, गॉट इट ना? या और फ्रैंकफर्ट स्कूल, फेमिनिज्म गाइज, एंड रेस एंड कल्चर, पॉपुलर कल्चर, लो कल्चर, कल्चरल कल्चर ऑफ मासेस, ग्लोबलाइजेशन, अभी आपके गाइज एग्जाम में एक टर्म आया था ग्लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन गाइज, तो इस तरह के टर्म आते रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? देन कल्चरल कंजम्पशन गाइज, है ना, कल्चरल कंजम्पशन, हाउ इट स्टार्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट, व्हाट इज टेक्स्ट, प्रोमिनेंट कल्चरल थियोरिस्ट इंक्लूडिंग स्टुअर्ट हॉल, रिचार्ड होगार्ट गाइज, रेमंड विलियम्स, एंटोनियो ग्रामसी, ओके गाइज, और भी अदर बहुत सारे नेम है, हर यू नो Habermas, and you know, जो आपके गाइज ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएटेड है and all, इनको कवर करने की जरूरत है, और अगर आपने कवर कर लिया तो आपसे समझदार कोई नहीं है। रेमंड विलियम समझ लीजिए, आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम कल्चरल स्टडीज से आ जाते हैं, और आपको बताया जाता है इतनी क्रिटिकल है कि पूछिए मत। लिटरेरी क्रिटिसिज्म गाइज, सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वट यू हैव टू कवर इन दिस यूनिट, इस यूनिट में गाइज आपको प्लेटो से शुरू करना है, एंड प्लेटो टिल टी एस एलियट कवर करना है, बस प्लेटो, एरिस्टोटल, देन गाइज वी हैव हॉरेस, लॉन्जाइनस, एंड देन वी हैव सिडनी, सिडनी के बाद गाइज ड्राइडन, पोप, and you all are familiar guys, Dryden, Pope, and then Samuel Johnson, then guys William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, and we have you know guys Hazlitt, Hunt, and De Quincey, and then guys you all are familiar with guys other names like in during guys Victorian era Matthew Arnold is there guys, and aesthetic theories are there, so unko cover kar lijiye, then T.S. Eliot ko cover kar lijiye guys, this is what in literary criticism is, okay? Yes, literary criticism mein guys sabse pehle major ko cover kar lijiye, and guys kuch aapke major ke sath sath manure bhi hai guys, Edmund Burke, John Locke, So, ऐसा होता है ना गाइज कि कुछ यहां पर जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है वो नॉन फिक्शन में चला जाता है आपका, नॉन फिक्शन, सो कुछ नॉन फिक्शन में कवर हो जाता है, कुछ यहां पर कवर हो जाता है, क्लियर गाइज? यस, एंड देन गाइज सी लिटरेरी थियोरीज, क्या लिटरेरी थियोरीज में कवर करना है, फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, नियो अरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिटिक थियरी, जंगियन क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चरलिज्म, सीमियोटिक्स, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, न्यू हिस्ट्रिसिज्म, पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जेंडर एंड क्वियर थियरी, एंड क्रिटिकल रेस थियरी गाइज, रीडर रिस्पॉन्स एंड ऑल, जो और रिमेनिंग हो और एड कर लीजिए इसमें, बस दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कवर गाइज, यस, इन दिस वन यूनिट, गॉट इट? इस यूनिट में आपको ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए। अब गाइस जैसे मिखाइल बाकुनिन इज देयर, मिशेल फूको इज देयर, है ना गाइस, सो इनको भी कवर करना है साथ में, ओके, डू नॉट फॉरगेट, इनको भी कवर करना होता है, सो गाइस इनको इंक्लूड किया जाता है इन थियरीज, नाम लेने की जरूरत नहीं होती गाइस, अंडर थियरीज, जैसे आप समझ लीजिए कि यहां पर फेमिनिज्म है गाइस, फॉर एग्जाम्पल We have feminism. Where is guys feminism? Yes. So जैसे यहां पर सब feminist को cover किया जाएगा guys. जितने भी feminist हैं उनको सबको इसी में cover किया जाएगा under this one. And then we have 10th one unit guys. So 10th one unit भी easy ही है आपकी. 10th one unit का guys आधा part cover हो जाता है आपके paper one में, and that is what? कि जहां पर आप cover करते हैं research methods and you know guys how to collect material. बट इन इंग्लिश लिटरेचर गाइज आपके तीन टाइप के रिसर्च बहुत पॉपुलर हैं, बायोग्राफिकल रिसर्च, बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च, एंड क्रिटिकल अप्रोच गाइज, कंपैरेटिव स्टडी इसको कह सकते हैं, यस, कंपैरेटिव स्टडी ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, एमएलए एंड ऑल गाइज, साइटेशन एंड ऑल, रिसर्च राइटिंग, थीसिस राइटिंग, राइटिंग मेथोडोलॉजी क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपकी 10th यूनिट में, ओके? So this is guys all about unit 10th research method and material in English. और last में मैं आपको बता दूं कि thank you so much है, लेकिन guys मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1, 2, 3, 4 and
एट एंड नाइन यूनिट इतना सबसे अच्छा, मतलब समझ लीजिए इनके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम डेडिकेट कीजिए, और इसके बाद जो रिमेनिंग है गाइस उसके लिए आप अपना टाइम दे सकते हैं गाइस। एट द एंड ऑफ द क्लास आई वुड लाइक टू शेयर कि ये सारा कुछ मैं कवर करता हूं गाइस आपके अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज आई एम अ वेरीफाइड टीचर गाइस। यस आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, न्यू गाइस जो बैच है वो फिफ्थ ऑफ मई से स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ, सो यू कैन ज्वाइन गाइस राइट नाउ। ड्रामा इज रनिंग ऑन, यस गाइस, ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। दीज आर द चार्जेस गाइस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एटलीस्ट टेक 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, आपका मैं 100% सिलेबस कवर कर दूंगा गाइस। यस हर्षिका, रेटोरिक एंड प्रोसेडीज देयर, लिटरेरी टर्म्स इज देयर, है ना, ये भी आपको कवर करने हैं, लिटरेरी टर्म्स, रेटोरिक एंड प्रोसेडी एंड इवन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी शॉर्ट में कवर करना है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि मैं कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर के या फिर अलग से वो मैं कवर करवा लेता हूं, या फिर जब मैं पढ़ाता रहता हूं तो उन टर्म से भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। यस सो गाइज, यस 6 मंथ एटलीस्ट लीजिए, और 12 मंथ तो सस्ता पड़ेगा आपको गाइज, यू हैव ओनली 12,000 आपको पे करना है। 1 साल पढ़िएगा, कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा गाइज, बिलीव मी कोई भी एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। यस ये मेरा भरोसा है गाइज। एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइज, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, कोच एंड ऑल आपको मिलता है, सो यस गाइज वी हैव 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, सो जिसमें 16,200 पे करना है 6 मंथ का, 12 मंथ के लिए 23,400 रुपीज आपको पे करना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके यस गाइज, सो थैंक यू सो मच। हाँ, क्या आप स्पेशल क्लास में सारा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं क्या? नहीं मोना राय, इतनी ताकत नहीं कि स्पेशल क्लासेस में कंप्लीट करवा पाऊं। अगर स्पेशल में करवा दूंगा तो फिर पेड वाला कौन ज्वाइन करेगा मोना? पेड वाला कोई ज्वाइन करेगा? कोई नहीं ज्वाइन करेगा गाइज, और मेरी जिंदगी धुआं धुआं हो जाएगी। यू ऑल आर फैमिलियर, सो गाइज यूज कोड राजवीर लाइव एंड गेट सब्सक्रिप्शन नाउ टुडे, और एंजॉय कीजिए अनलिमिटेड क्लासेस बाई इंडिया टॉप एजुकेटर्स गाइज। एनी इनपुट अबाउट एग्जाम? कोई इनपुट नहीं है ट्रिपैड, बिल्कुल भी कोई इनपुट नहीं है गाइज। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइज एंड टेक केयर। देखिए मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। मैं 10,000 रुपए नोट्स के नहीं लेता, मैं ऐसा टीचर हूं जो गाइज आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं, आप जितना नहीं कर सकते मेहनत उससे ज्यादा डेली करता हूं। एंड एवरी डे गाइज आई एम टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर रिस्पॉन्सेस। एवरी सिंगल स्टूडेंट्स गाइड, मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो डिससैटिस्फाइड हो मेरी क्लासेस से। ऑल आर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सैटिस्फाइड गाइज। आई रियली डोंट नो दे विल क्वालिफाई और नॉट, बट आई एम डैमन श्योर दे विल गेट वंडरफुल नॉलेज गाइज, एंड ऑलवेज दे विल से यस वी गॉट नॉलेज आफ्टर स्पेंडिंग 10,125 रुपीज। ओके सो बाय गाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बस गाइज, ठीक है। यस ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, मेरा पेट दर्द करने लगा, मतलब दर्द होने लगा पढ़ाते पढ़ाते, और बहुत कुछ बताया गाइज आपको, सच में थक गया हूं। मतलब अब मैं चलता हूं, और अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइज, और यस बाय गाइज, थैंक यू सो मच।